हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है अर्पित। तो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने फाइनली जो है 200 पोस्ट के लिए जो रिक्रूटमेंट आने वाली थी, जो काफ़ी पहले आने वाली थी लेकिन उसको थोड़ा सा डिले कर दिया गया था, उसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है रिलीज़ कर दिया गया है राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसको आप देख सकते हो। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप आरपीएससी की वेबसाइट पर भी जा करके देख सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम बात करेंगे, जिनको डिपुटेशन पे फिल कर दिया गया था बीच में, जिसकी वजह से थोड़ा सा इसका रिक्रूटमेंट जो है वो डिले हो गया। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, देखो नोटिफिकेशन डेट मेंशन है 21 अक्टूबर 2022। उसके बाद में यहाँ पर देखो जो है नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि कैटेगरी वाइज जो है वो आपको कितनी पोस्टें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखो टोटल जो पदों की संख्या है वो 200 है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देखो क्या कि जनरल के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, बीसी के लिए, एमबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, यहाँ पर आप देखो कि कैटेगरी वाइज जो है वो पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है। यहाँ पर आप देखोगे कि जनरल कैटेगरी में भी यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी में जब आप जाओगे तो अनरिजर्व में आप देखोगे कि जनरल का सेक्शन और उसके बाद में जो जनरल वुमेन है उनका अलग सेक्शन है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो रिजर्वेशन आपको देखने को मिलेगा, सीट जो है वो रिजर्व है, अदर स्टेट में ये चीज़ आपको नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसके अकॉर्डिंग जो है आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर और इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हम डिस्कस करेंगे इसके लिए, जो सिलेबस को लेकर के ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है चैनल पे, उसको आप देख सकते हो। और जो है जो बुक्स वगैरह आपको रेफर करनी है उसके लिए ऑलरेडी बात कर चुके हैं एक वीडियो में, इसमें भी हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे। दूसरी इम्पॉर्टेंट जो बात है यहाँ पर जो आपके काम की है वो है यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता, यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो जैसा कि सभी फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए जो रिक्रूटमेंट में आप देखोगे कि जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है वही यहाँ पर है। एक बात आपको याद रखनी है कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपना बीएससी किसी अदर सब्जेक्ट में किया है, ठीक है, लेकिन वो यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप अपने रिस्क पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कमीशन की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर कौन लोग एलिजिबल हैं उसको आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि बाद में कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास में डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास डिग्री इन फूड टेक्नोलॉजी है तो आप अप्लाई कर सकते हो, डेयरी टेक्नोलॉजी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, बायोटेक्नोलॉजी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, ऑयल टेक्नोलॉजी है या फिर एग्रीकल्चरल साइंस है या फिर वेटनरी साइंस है या फिर बायोकेमिस्ट्री या फिर माइक्रोबायोलॉजी या फिर मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। डिग्री इन मेडिसिन का मतलब है BDS, MBBS, BAMS, ये कोई डिग्री अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, देखो यहाँ पर जो भी क्वालिफिकेशन मेंशन है, जैसे फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, यही लोग एलिजिबल हैं। अगर आपके पास में इसके अलावा अदर कोई क्वालिफिकेशन है, अगर आपने सोचते हो अगर आपने लाइफ साइंस में किसी सब्जेक्ट से किया है, बायो से रिलेटेड किसी सब्जेक्ट में किया है, तो आप अपने रिस्क पे अप्लाई कर सकते हो। आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो सकता है एक्सेप्ट हो जाए, लेकिन एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये आपको डिसक्वालीफाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको ये ध्यान देनी है कि अगर आप केमिस्ट्री के थ्रू अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास में मास्टर डिग्री होना ज़रूरी है, बाकी के केस में केवल ग्रेजुएशन जो है वो इनफ होगा। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों के बारे में। उसके बाद में अगर यहाँ पर देखो मेंशन है कि एनी अदर इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन इसको लेकर के कोई अभी आपको देखोगे कि आपको इसको लेकर के कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पर लिखा गया है कि अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट इसको नोटिफाई करता है लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके अलावा अदर किसी क्वालिफिकेशन को अभी तक नोटिफाई नहीं किया है, इसका मतलब यही है कि जो डिग्री यहाँ पर मेंशन है वही लोग एलिजिबल है। बाकी के लिए यहां पर एलिजिबिलिटी के लिए आप अप्लाई तो कर लोगे, हो सकता है आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाए, लेकिन एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये आपको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। उसके बाद में यहां पर हैज सक्सेसफुली कंप्लीटिंग ट्रेनिंग एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द फूड्स अथॉरिटी इन द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड फॉर द पर्पस। ठीक है, तो यहां पर देखो आगे ये भी मेंशन है कि देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर ट्रेनिंग प्रायर टू सिलेक्शन। इसको लेकर आपको कंफ्यूजन नहीं लेनी है, यानी कहने का मतलब ये है कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद में FSSAI फूड अथॉरिटी के थ्रू कुछ स्टेट फूड अथॉरिटी और सेंट्रल फूड अथॉरिटी यानी कि FSSAI की कंबाइंड एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जो सभी फूड सेफ्टी ऑफिसर्स को कराया जाता है, उसको आपको अटेंड करना होगा। उसमें आपका एक एग्ज़ाम होता है, 40 डेज़ की ट्रेनिंग होती है, एग्ज़ाम होता है, एक नॉर्मल सा एग्ज़ाम होता है, मतलब वो आपको क्लासरूम में सिखाएंगे उसी का एक एग्ज़ाम होता है, उसके बाद में आपकी फील्ड ट्रेनिंग होती है, ये सारी करना ज़रूरी होता है। ठीक है, लेकिन ये सब कब होगा, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है,
इसको अप्लाई करने के लिए आपके पास में कोई ट्रेनिंग सर्टिफिकेट वगैरह की ज़रूरत नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो उसके बाद में यहाँ पर ये चीज़ मेंशन है कि अगर आपका फूड को लेकर के कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, ऑलरेडी आप किसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड किसी बिजनेस में अगर इन्वॉल्व हो तो यहाँ पर आप नहीं अप्लाई कर पा सकते हो, ठीक है। तो ये एक बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटेन इन देवनागरी, यानी कि जो नॉर्थ रीजन में जो लोग रहते हैं ना उनको ये हिंदी देवनागरी की जो हिंदी लैंग्वेज है उसका नॉलेज होता है, तो यहाँ पर उनको वर्किंग नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो जो साउथ के जो कैंडिडेट हैं जिनको हिंदी बिल्कुल भी नहीं आती उनके लिए यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी नॉर्थ वाले जो हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद में दूसरी बात है, अगर हम बात करें यहाँ पर, हाँ बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को कंप्लीट कर रहे होंगे, लास्ट ईयर में होंगे, लास्ट सेमेस्टर में होंगे, तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि वो लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं जो अपने लास्ट सेमेस्टर में हैं, ठीक है, जो अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर देने वाले हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर सैलरी की बात करें तो 11th लेवल रहेगा आपका पे स्केल का, उसके साथ में 4200 जो है ग्रेड पे आपकी सैलरी रहेगी, यानी कि 4200 ग्रेड पे आपका कुछ अलाउंसेस वगैरह ऐड होंगे, HRA ऐड होगा, ठीक है, DA ऐड होगा, उन सारी चीज़ों को मिलाकर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 55 to 56 आपकी सैलरी रहेगी, ठीक है, इतने थाउजेंड में आपकी सैलरी जाएगी, यानी कि 50+ आप रहोगे जब आप ज्वाइन करोगे, उसके बाद में हर साल आपका इंक्रीमेंट वगैरह होता रहेगा। अगर हम बात करते हैं कि आपको एज लिमिट के बारे में, तो यहाँ पर देखो एज लिमिट जो है मिनिमम 18 साल है, मैक्सिमम जो है वो 40 साल आपकी जो है एज होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि जो एज आपकी कैलकुलेट होगी वो एक एक यानी कि 1 जनवरी 2023 तक का आपका जो है वो डेट कैलकुलेट होगा, यानी इस डेट के अकॉर्डिंग आपकी डेट जो है वो कैलकुलेट होगी, तो इसके अकॉर्डिंग आपको अपनी एज को कैलकुलेट करना। मोस्टली जितने लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं आई होप वो इसी के बीच में होंगे, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, आप देखोगे कि सेंट्रल में आपको थोड़ा 10 साल कम होता है, लेकिन यहाँ पर 40 साल तक है, 18 से 40 सभी लोग लगभग एलिजिबल होंगे, यहाँ पर आपको कोई इशू नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये चीज़ें जो थी इंपॉर्टेंट हो गई यहाँ पर। अब इसके अलावा और क्या जानना चाहिए आपको, और ये जानना चाहिए कि एक तो यहाँ पर रिजर्वेशन के बारे में मेंशन है कि अगर आप SC ST से हो तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन एज वगैरह में मिल जाएगा, वो सभी गवर्नमेंट जॉब में मिल जाता है, वो कॉमन चीज़ है, उसके लिए यहाँ पर कुछ ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखो एक चीज़ यहाँ पर जो मेंशन है, चयन प्रक्रिया, देखो अभ्यर्थी को चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम में किया जाएगा, यानी जो रिटर्न पेपर वगैरह होगा आपका वो सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद में देखो यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि आपको कैसे अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने की जो डेट है, सबसे पहले डेट क्या है, डेट है 1 नवंबर 2022 से एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे, 30 नवंबर 2022 तक लास्ट डेट है इसकी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 1 मंथ मिलेगा आराम से अप्लाई करने का, इसके पहले भी अभी आपके पास में थोड़े दिन बचे हुए हैं, इनमें आप ऑल रिसर्च वगैरह कर सकते हो, कैसे आपको पढ़ना है, कैसे आपको अप्लाई करना है, उसके बाद में आपके पास इनफ टाइम है, 1 मंथ आप आराम से इसको अप्लाई कर सकते हो। कोशिश करना कि आप 20 नवंबर से पहले एप्लीकेशन को फिलअप कर दो, वो आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए जो वेबसाइट है वो rpst.rajasthan.gov.in है, इस पर आप जाकर के अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में और भी जो चीज़ें हैं इसके लिए आपको जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट का। इसके बाद में देखो यहाँ पर दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर देखो टोटल मार्क्स जो है वो 150 है, 2.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, पेपर को थोड़ा सा पार्ट ए पार्ट बी में डिवाइड किया गया, पेपर एक ही है, पेपर दो नहीं है, ठीक है, सिंगल पेपर है, पार्ट ए पार्ट बी। और इसके बाद में यहाँ पर पहले वाले पेपर में आपको कुछ जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान देखने को मिलेगा, उसके बाद में जो मेजर फूड माइक्रोबायोलॉजी, फूड केमिस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग और फूड लॉज वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको पार्ट बी में देखने को मिलेंगे, ठीक है। जिसका वेटेज आपका कितना है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 110 आएंगे, 110 आपका जो है टोटल मार्क्स का वेटेज रहेगा, तो वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको जो कंसर्न सब्जेक्ट वाला पोर्शन है उस पर आपको अच्छे से मेहनत करनी है, फिर आप यहाँ पर एग्ज़ाम अच्छे से दे पाओगे, ठीक है। तो आपके पास टाइम रहेगा आराम से, 2 से 3 महीने आपको मिलेंगे प्रिपरेशन करने के लिए, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। उसके बाद में देखो यहाँ पर ये है कि द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन शैल कैरी 150 मार्क्स, जिसके बारे में हमने डिसाइड कर लिया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहने वाला है। यहाँ पर पेपर का ड्यूरेशन जो है वो आपका 2.5 घंटे का रहेगा। उसके बाद में निगेटिव मार्किंग शैल बी अप्लीकेबल इन द एवोल्यूशन ऑफ आंसर, फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3, यहाँ पर आपकी 1/3 की निगेटिव मार्किंग रहेगी, इसको आपको ध्यान रखना है, तभी आपको सोच समझ के आंसर को मार्क करना है, ठीक है। रॉन्ग आंसर शैल मीन इन करेक्ट आंसर और मल्टीपल आंसर, ठीक है। तो इसके बारे में जैसे कि आप अगर कोई रॉन्ग आंसर करते हो उसी के बारे में यहाँ पर मेंशन है कि अगर आप इनकरेक्ट मार्क करते हो तो आपका 1/3 मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएगा।
उसके बाद में यहाँ पर जो फीस है वो 500 रुपये फीस है आपकी, ऑनलाइन फीस जो है सबमिट होगी। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दूसरी बात क्या है कि आपको अप्लाई करने के बारे में बता दिया, अब आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो सिलेबस के लिए एक सॉय एजुकेशन के चैनल पे एक वीडियो है, आप उसको जाकर के देखोगे, वहाँ पर सिलेबस डिस्कस किया है, नोट्स के बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। फिर भी एक छोटा सा हम आपको ओवरव्यू दे देते हैं जिसमें हमने क्या क्या बुक्स वगैरह में इंक्लूड किया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो आपके सामने जो है दो बुक्स मेंशन है, ठीक है। एक है आपका पार्ट ए, एक है पार्ट बी, यानी कि एक पार्ट वन पार्ट टू के नाम से दो ई बुक्स हैं हमारे, नोट्स हैं पार्ट वन पार्ट टू। इन दोनों में आप देखोगे कि एक में आपको केमिस्ट्री वाला पोर्शन देखने को मिलेगा, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, प्लांट एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी, एग्रीकल्चर और फूड टेक्नोलॉजी। दूसरे वाले पार्ट में आपको जीएमओ वगैरह के बारे में मेंशन है, फिर उसके बाद में स्टैटिक्स एनालिसिस के बारे में है, फिर आप देखोगे एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, फूड प्रिजर्वेशन, और उसके बाद में राजस्थान की इकोनॉमी और जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल इंटरनेशनल उनके बारे में यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। तो ये दोनों नोट्स हैं अराउंड 1000 पेजेस के दोनों नोट्स होंगे, जिसमें आपका जो मेन टेक्निकल पार्ट है, कंसर्न सिलेबस है जिसके बारे में हमने देखा था, जहाँ से आपका टोटल 110 मार्क्स का वेटेज है, यानी कि 110 नंबर के क्वेश्चन आपके जहाँ से पूछे जाने हैं, तो वो सिलेबस आपको इन ई बुक्स में इंक्लूडेड मिलेगा। उसके लिए ये जो व्हाट्सएप नंबर है इस पर आपको व्हाट्सअप करना है, सैम्पल कॉपी वगैरह हम प्रोवाइड कर देंगे। और डिटेल में सिलेबस को समझने के लिए एक वीडियो अपलोडेड है सॉ एजुकेशन का, आप वहाँ पर जाओगे आपको डिटेल सिलेबस वगैरह वहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप करोगे, हम आपको सैम्पल कॉपी वगैरह प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। क्लासेस वगैरह जो हैं वो यूट्यूब पे हम कोशिश करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी लेसन्स है वो अपलोड करेंगे, जैसे कि बाकी पेपर्स के लिए हमने अपलोड किए, तो सीक्वेंस में सारी क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। तो आई होप आपको सारी चीज़ें जो है चैनल पे हम प्रोवाइड कर पाएँ, ठीक है। तो ये नोट्स हैं केवल, ये नॉमिनल फीस है इनकी, यही पेड हैं, बाकी वीडियोज़ हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल पर मिलेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।